और ये राइड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 125 किलोमीटर प्लस का होने वाला है। इस वक्त अपने फीलिंग्स को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मैं अंदर से खुश हूँ। सालों से सपना रहा KTM बाइक लेने का। तो चलिए थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं अपने ड्यूक 250 BS6 के साथ। ये आज तो इस्लामपुर के सड़कों पर सिर्फ KTM ही नज़र आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं KTM शोरूम, क्योंकि शोरूम के तरफ से हमें अर्बन स्केप राइड के लिए इनविटेशन मिला है। एंड रिपोर्टिंग टाइम से मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, इसलिए इंट्रो भी मैं राइड स्टार्ट होने के बाद दे रहा हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं शोरूम, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं शोरूम और ये सारे बाइक जा रहे हैं हमारे साथ। सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी आना बाकी है, तो वो पहले आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे आप लोग जो एम्बुलेंस देख रहे हो मेडिकल पर्पस से, ये हमारे साथ ही जा रहा है। तो मतलब फुल प्रिपरेशन के साथ ही हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो फाइनली अभी सभी लोग आ चुका है एंड वी ऑल आर रेडी टू गो। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना, सूरज की किरण आने दे मेरे नीर। अभी हम सब लोग निकल चुके हैं आज के इस राइड के लिए। ये राइड का इनविटेशन KTM शोरूम किशनगंज से मिला है एंड फ्यूल और फूड भी वही मैनेज कर रहा है। सो बिग थैंक्स टू KTM शोरूम किशनगंज। इस राइड पे टोटल पिलियन लेके लगभग 12 से 13 लोग जा रहे हैं एंड लगभग 8 बाइक हमारे साथ जा रहे हैं, जिसमें से दो ड्यूक 250 BS6, दो ड्यूक 125, एक ड्यूक 200, एक RC390, एक RC200 न्यू मॉडल और एक 390 एडवेंचर जा रहा है। और ये राइड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 125 किलोमीटर प्लस का होने वाला है। सो ये व्लॉग में एंड तक बने रहे और राइड को एंजॉय करें। अभी हम लोग लाइन बाय लाइन रुके हैं ये डिस्कस करने के लिए कि आगे हमें कौन से रास्ते से जाना है। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं अपना फर्स्ट लोकेशन पे और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और आई थिंक पास में महानंदा रिवर भी है, आई डोंट नो कि कौन सा रिवर है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा रिवर भी है। और धूप बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो ज़्यादा टाइम हम लोग इधर नहीं रुकेंगे, थोड़ा टाइम रुकते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यहाँ आप लोग लुक चेक करेगा इस सभी बाइक का एक साथ में, क्या मस्त लुक आ रहा है। तो अभी हम इस लोकेशन से निकल चुके हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं एक ब्रिज के ऊपर से और थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया कि पास में एक रिवर है, तो यहाँ से आप लोग रिवर का लुक चेक कर सकते हो। इस टाइम पे बेसिकली रिवर में ज़्यादा पानी नहीं होता है। अभी हम जिस रोड से जा रहे हैं यहाँ पे मैं पहले नहीं आया हूँ और ये नेशनल हाईवे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इधर का रोड जो है बहुत औसम है। बाइक राइड करने का तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। और गाइस, इस वक्त अपने फीलिंग्स को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मैं अंदर से खुश हूँ। सालों से सपना रहा KTM बाइक लेने का और आज फाइनली KTM बाइक भी साथ है और KTM राइडर्स के साथ भी राइड पे जाने का मौका मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है अपने लिए, तो क्योंकि सपने तो हम बहुत देख लेते लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग एक मार्केट के अंदर से गुजर रहे हैं और यहाँ पे लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है ना, बहुत ही क्रेज़ी रिएक्शन आ रहा है इतने सारे KTM बाइक्स एक साथ देख करके। इधर सामने ब्रिज टूटा है और ब्रिज का काम चल रहा है, तो हमें नीचे से जाना होगा। तो चलिए थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं अपने ड्यूक 250 BS6 के साथ। गाइज, मैंने जब ये बाइक ख़रीदा था तो उससे पहले काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि ड्यूक ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट मैंने काफ़ी ऑफ रोडिंग करा है और मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग तो चलता ही है, हम ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह तो अच्छी रोड नहीं होते हैं ना। तो अभी सामने हमें फिर से एक अच्छे रास्ता नज़र आ रहा है और ये रास्ते से हमें आई थिंक थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, फिर हम नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे। तो राइड को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेशनल हाईवे पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनली नेशनल हाईवे पे और यहाँ पर बाइक की स्पीड को थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी और नेक्स्ट हम लोग कालीबाड़ी मंदिर पर रुकेंगे, उधर ब्रेकफास्ट भी करना है और फिर हम लोगों को निकलना है इस्लामपुर की तरफ। फाइनली हम लोग आ चुके हैं कालीबाड़ी मंदिर और पास में ही हम अपने बाइक्स को पार्क करते हैं और ब्रेकफास्ट भी इधर ही करेंगे। गाइस, दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट प्लेस। हमने अपने दोनों बाइक्स की पूजा इधर ही कराई है क्योंकि माँ काली को हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं।
तो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और यहाँ से हम चलते हैं सीधे इस्लामपुर। गाइज, राइड से पहले ही हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे को ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं, सो एवरेज स्पीड मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग इस्लामपुर टाउन में एंट्री करने वाले हैं और भैया जो है सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ओवरटेक जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। आरे आरे आरे, अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए, देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना। ये है इस्लामपुर बाईपास और अब हमें सामने से जो है वन वे रोड मिलने वाला है। सामने पुलिस चेकआउट हो सकता है बट हमें बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि हमारे पास डीएल से लेकर के सारे पेपर सब कुछ ओके है और साथ में हमारा स्पीड भी एवरेज है। भाई आज तो इस्लामपुर के सड़कों पे सिर्फ KTM ही नज़र आ रहा है और लोगों का रिएक्शंस भी काफ़ी क्रेजी है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टर्मिनस, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी रुकने नहीं वाले हैं क्योंकि हमें जो है अभी बहुत दूर जाना है, तो सामने से हम जाके लेफ्ट लेंगे और ठाकुरगंज के रास्ते की तरफ चलेंगे। सामने है कुछ पुलिस अंकल, देखते हमें यहाँ पे रोका जाता है या नहीं। नहीं रोका। अब हम लोग लेफ्ट लेंगे और सीधे चलेंगे ठाकुरगंज और वहाँ रुकेंगे और लंच भी करना है क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का काफ़ी टाइम हो चुका है और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो यहाँ से लगभग 1 आवर जो है कंटिन्यू राइड होने वाला है, तो राइड को आप लोग इन्जॉय करें। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ठाकुरगंज और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। रेस्टोरेंट तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ का खाना कैसा होता है। प्लेट लग चुका है और चिकन बिरयानी भी आ चुका है, उसको खाते हैं और निकलते हैं। गाइस, लंच हो चुका है कंप्लीट और खाना भी सही था, तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं और हम अब नेक्स्ट जाएंगे बहादुरगंज और उसके बाद फिर रिटर्न चले जाएंगे KTM शोरूम किशनगंज। अभी आई थिंक हम लोगों ने 100 किलोमीटर प्लस राइड कर लिया है। अभी थोड़ा सा मुझे बैक पेन और नी पेन भी हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग राइड की आदत मुझे नहीं है और मेरे पीछे कोई पिलियन भी नहीं है कि मैं उसको चलाने के लिए बोल पाऊँ। तो चलिए बाइक को थोड़ा खींचते हैं और आप लोगों से मिलते हैं शोरूम पे। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं KTM शोरूम किशनगंज और आज का ये राइड इधर ही ख़त्म होता है। राइड जो है सक्सेसफुली अच्छे तरीके से हो गया, काफ़ी मज़ा आया, लोगों का काफ़ी क्रेजी रिएक्शन भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ से हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे और सीधा घर के तरफ चलेंगे। मैं अभी और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे बैटरी जो है ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। तो गाइस, ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ।